हे गाइस वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। यार अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है तो आपका जवाब होगा फेसबुक। बिल्कुल सही बात है, फेसबुक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत पुराना भी है। मतलब फेसबुक पर हमारा अकाउंट उस टाइम से है जब हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बारे में भी नहीं जानते थे, और आज भी हम फेसबुक जरूर यूज करते हैं। अगर कोई इंसान इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो पक्की बात है कि फेसबुक पर तो उसका प्रोफाइल होगा ही होगा। किसी भी फ्रेंड को हम सबसे पहले फेसबुक पर ही तलाशते हैं इसकी फोटो वोटो देखने के लिए कि फेसबुक इसका प्रोफाइल फेसबुक पर है या नहीं, बाद में इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इस प्यारे फेसबुक का नाम अब बदलने जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा? कैसा भी नहीं लगेगा, बदल जाए। लेकिन हाँ, ये खबर पक्की है कि अब आने वाले टाइम पर आप फेसबुक को किसी और नाम से पुकारने वाले हैं। फेसबुक के जो ऑनर हैं, इस कंपनी के जो ऑनर हैं, मार्क जुगरबर्ग, वो 28 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। एक सम्मेलन में एक मीटिंग होगी जिसमें तय होगा कि फेसबुक का जो फ्यूचर नेम होगा वो क्या होगा। तो आप आने वाले टाइम पर फेसबुक को एक नए नाम से जानेंगे। अब ये हो क्यों रहा है, फेसबुक में क्या बुराई है? फेसबुक तो एक अच्छा नाम है और पॉपुलर भी है, लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है, तो आखिर ऐसा क्यों? तो ये सब किया धरा है टिकटॉक का। अब देखिए, जब टिकटॉक आया था तो उस टाइम पे शॉर्ट वीडियोस का चलन नहीं था, लेकिन टिकटॉक देख देख के लोगों को आदत पड़ गई वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखने की। जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते 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 टाइम पूरा मतलब उसी में बर्बाद लोग कर देते थे, मतलब एक चस्का सा लग गया था। अब टिकटॉक तो हो गया बैन, लेकिन बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यह पता चल गया कि यार चस्का इसमें है, इसमें नहीं है। अब इसी वजह से जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ज्यादातर शॉर्ट वीडियोस पर ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब ने हाल ही में लॉन्च किया यूट्यूब शॉर्ट्स, अब उस पर शॉर्ट वीडियो ज्यादा प्रमोट हो रही हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनाने का चलन कुछ ज्यादा ही चल गया है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस वही रील्स होती हैं, और फेसबुक पर भी वो रील्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, लोग बनाते रहते हैं। लेकिन फेसबुक ये सोच रहा है कि यार मेरा नाम लेते ही ना ये रील वील दिमाग में नहीं आती है, वीडियो वीडियो दिमाग में नहीं आती है, भाई ये दिमाग में आता है फेसबुक तो वो फ्रेंड फ्रेंड वालों का ना, जिस पे फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, फोटो अपलोड करते हैं। तो इस मेंटालिटी को बदलने के लिए फेसबुक के ऑनर ने फैसला लिया है, इसका नाम बदलो और कुछ ऐसा रखो ताकि नाम सुनते ही लगे अच्छा इस पे वीडियो भी डाल सकते हैं, इस पे शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो इनका जो कारोबार है वो शॉर्ट वीडियो पर ही टिका हुआ है, उसी में तगड़ा पैसा इनको दिखाई दे रहा है, और है भी, ये बात सच है। तो यही वजह है कि अब आने वाले टाइम पर आपको फेसबुक का नाम बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा। अब हो सकता है फेसबुक से थोड़ा मिलता जुलता हो, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो से मिलता जुलता तो होगा ही। चलिए फिलहाल यह खबर आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपके दिमाग में फेसबुक के लिए कोई नाम है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।